एस्पिरेंट्स आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं सोशियोलॉजी में, वो करेंगे सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशियोलॉजी विद ऑफ हिस्ट्री इज रूटलेस एंड हिस्ट्री विद ऑफ सोशियोलॉजी इज फ्रूटलेस। इस पर आपको 2004 या 6 में आपको इस पर एक ऐसे भी दिखा आपको देखने को मिलेगा पास्ट ईयर्स में। ओके, नेटिक्स में भी सब क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि सोशियोलॉजी विद ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे रूटलेस है, क्योंकि अगर सोशियोलॉजी में हिस्ट्री नहीं रहेगा तो रूटलेस रहेगा, अगर हिस्ट्री में सोशियोलॉजी ना देखा जाए तो उसे फ्रूटलेस बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से कहना है तो जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री आपको पता है कि ऑलमोस्ट ये स्टडी करता है पास्ट का, सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं कंटेम्प्रेरी या फिर रिसेंट पास्ट का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंस मतलब कि जो हिस्टोरियंस रहते हैं वो जो पास्ट का स्टडी करते हैं, ठीक है, इसके लिए वो एक्सर्वेशन करते हैं। ठीक है, आपको देखने मिलेगा हरियाणा में कैसे एक्सर्वेशन करते हैं एंड साउथ इंडियन स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक्सर्वेशन तो सालों साल लग जाते हैं हिस्टोरियंस को पता लगाने के लिए कि हमारे पूर्वज का उनका दिनचर्या कैसा रहता था। ओके, एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हिस्ट्री है ये एक तो डिलीनेट करता है एक्चुअल इवेंट से, जैसे कि इस्टेब्लिश यहाँ पे कि ये पता करता है कि किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट थी, क्या क्या उनकी हैपनिंग हुआ करती थी। एंड उसकी सेकेंड साइड अगर आप सोशियोलॉजी को देखो, ये हमेशा फोकस करेगा एक एक दूसरे पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप का। ठीक है, अगर वो हिस्ट्री में आकर स्टडी कर देते तो ये देखेंगे ये कि हिस्ट्री में, ठीक है, मतलब एशियन टाइम्स में एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ किस तरह से रिलेशनशिप का। ठीक है, ये सोशियोलॉजी स्टडी करेगा एंड हिस्ट्री स्टडी करेगा कि पास्ट में कैसा लोग रहा करते थे। ओके, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट हिस्ट्री जैसे कहा कि एक कॉन्क्रीट डिटेल का स्टडी करता है, फिर वहाँ से ही सोशियोलॉजी अपना कुछ डेटा निकालता है। ठीक है, सोशियोलॉजी जो है एब्स्ट्रैक्ट करेगा वहाँ का जो कॉन्क्रीट जो रियलिटी है। ठीक है, उन्हें क्या कैटेगराइज करेगा, कैटेगराइज करके एक जनरलाइज बोला जाता है कि वो स्टडी करेगा कि एक दूसरे पर्सन के साथ किस से रिलेशनशिप था। एंड मतलब कि सोशियोलॉजी आपको पता है कि बस मतलब कि सोसाइटी के बारे में स्टडी करेगा। ओके, एंड हिस्टोरियन आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो इक्वली वो काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि सोशियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कन्वेंशनल हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा कि एशियन टाइम में मतलब आपको हमें कई सारे पिलर्स पर कुछ लिखा हुआ मिला है, मतलब कि किंग्स के बारे में, उनके इंग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो जब से हमें कुछ ना कुछ लिखना मिला है, ठीक है, बुक पे या फिर कोई वॉल्स पे, तो हम उसे कन्वेंशनल हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हमें किंग्स के बारे में पता चलता है, उनके वॉल्स के बारे में हमें वहाँ से पता चलता है कि क्या चेंजेस था उनके लैंड रिलेशन में, उनका कैसा रहता था, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रहते थे, जेंडर में इक्वालिटी थी या नहीं थी। ठीक है, ये सब हमें पता चलता है तब जब हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये सब स्टडी कौन ये मतलब कि स्टडी करने के लिए काफ़ी समय भी लगता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि काफ़ी एक्सप्लोरेशन करना पड़ता है, उसके लिए सालों साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि हिस्ट्री में हमें ज़्यादातर तो लिखी हुई चीज़ों से ही पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं रेडक्लिफ ब्राउनी कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है ये नोमोथेरेपी का मतलब क्या, कुछ लिखा हुआ कुछ मतलब कुछ स्टडी करना। ठीक है, नोमोथेरेपी वाइल्ड हिस्ट्री को बोलते हैं आइडियोग्राफी। ठीक है, ये नोमोथेरेपी एंड आइडियोग्राफी ये वर्ड नियोकांतियन ये दोनों वर्ड यूज करते हैं। ओके, नियोकांतियन। ओके, एंड यहाँ पे कि बोला जा रहा है कि जो कि सोशियोलॉजिस्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं एक जनरलाइजेशन, जैसे कि हिस्टोरियन जो है वो डिस्क्राइब करके एक यूनिक इवेंट। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट क्या करेंगे, जनरलाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे एंड हिस्टोरियन क्या करेंगे, ये डिस्क्राइब करके यूनिक इवेंट। ठीक है, यूनिक इवेंट मतलब उन्हें जो भी लिखा हुआ मिलता है वो क्या रहेगा, उनके लिए एक यूनिक इवेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगा, ट्रेडिशनल जो कि एक नैरेटिव हिस्ट्री हो गया बट ओनली द पार्टली टू ऑफ अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। ठीक है, तो आपको कई दफ़ा मतलब कि देखने को मिलेगा न्यूज़ पर आता रहता है कि हमें हड़प्पा से हमें कुछ साइट्स मिले हैं एंड वहाँ पे कुछ ना कुछ तो न्यू चीज़ें मिल रहा है, मतलब कि पॉट मिल रहा है या फिर कुछ ना कुछ तो नया चीज़ मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी हम मतलब कि ऐसे एक स्टडी करते हैं, उसके बाद सोशियोलॉजी के पास भी ये स्टडी आती है। ओके, यहाँ पर आपको वर्क देखने के लिए मिलेगा कुछ सीरियस हिस्टोरियंस है एंड यहाँ पे इनके पास जनरलाइजेशन में कई सारे मतलब कि इनके पास फैक्ट्स है। ठीक है, जनरलाइजेशन की मैंने जैसे कहा था कि जनरलाइज का मतलब होता पीपल और लोगों का सिचुएशन क्या रहता है उस समय। ठीक है, उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ओके, सोशियोलॉजी में वाइल्ड सम ऑफ सोशियोलॉजिस्ट हैव कंसर्न देमसेल्व्स विद स्टडी ऑफ यूनिक इवेंट। ठीक है, जैसे कि हिस्टोरियन को काफ़ी सारे यूनिक इवेंट मिलते हैं, वैसे हिस्टोरियंस को सॉरी सोशियोलॉजिस्ट को भी यूनिक इवेंट के मतलब स्टडी करने का एक मतलब कि काफ़ी चांसेस मिलते हैं। ओके, सोसाइटी के बारे में
आपको कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट है यहाँ पे, आर एच टाउनी है इनका जो वर्क, इनका ये बुक का नाम है ठीक है, इनका एक बुक है, इन्होंने लिखा है नाम है रिलीजन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म ठीक है। इस बुक में इन्होंने रिलीजन के बारे में लिखा है एंड समय के साथ में किस तरह से कैपिटलिज्म बढ़ते जा रहा है ओके। इस बुक में इन्होंने लिखा है एंड वेबर का पैसेज आपको पता होगा कि जो दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ओके। एंड ये बुक जैसे आपको पता है कि मैक्स वेबर ने लिखी है एंड नेक्स्ट जो बुक है थॉमस एंड जेलेंकी ने लिखी है जो दी पॉलिश पीजेंट ठीक है, ये बुक लिखी हुई है। तो इन्होंने इस बुक में लिखा है कि जो पीजेंट थे उनका उनका मतलब कि हालत क्या था ठीक है इन 70s में एंड 80s में ठीक है, ये इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है। एंड आपको यहाँ पे आप मतलब ये जो बुक है इनके ऊपर आपको नाम मतलब ये बुक के नाम आपको रिव्यूज में लिखना है तो आप प्लीज़ एक दो नाम आप याद कर लीजिएगा ओके। एंड यहाँ पे मतलब कि कई सारे मतलब आइडियोग्राफी ज़्यादातर ये जो वर्ड हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं ओके। आइडियोग्राफी मतलब कि हमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है उससे ही हम मतलब मैच करते हैं कि उस समय का मतलब कि हमारा जो पूर्वज थे उनसे हमारा जो रिलेशन का मैच करता है ठीक है, काम में हमारे काम में पीजेंट का काम कई दफ़ा मतलब मैच हो जाएगा ओके। तो इस लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हिस्टोरियन है ठीक है, यह एक फिनोमेना है जो कहते हैं जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ओके, ये क्वाइट जनरल इन नेचर है क्योंकि सर्व किया सोर्सेज ऑफ डेटा एंड सोशियोलॉजिकल स्टडीज ठीक है। एक स्टडीज निकल के आती है ये कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया हुआ है ठीक है, इससे लोगों को एक तो फ़ायदा ही मिला है ठीक है, उन्हें जॉब मिला है, तो ये क्या कहते हैं ये एक सोशियोलॉजी में हिस्ट्री आगे कहता है ओके। एंड इस पर यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है कि कुछ डिफरेंसेस है सोशियोलॉजी हिस्ट्री में, मतलब कि जैसे हिस्ट्री पास्ट की स्टडी करता है एंड जो सोशियोलॉजी प्रेजेंट की स्टडी करता है ओके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर तो सोशियोलॉजी का वर्क रहता है एक जनरलाइजेशन देना ठीक है, क्योंकि किस सिचुएशन किस तरह से ये देखना रहता है। एंड हाउ एवर यहाँ पे जैसे कि बोला गया है कि एक बुक है जैसे कि वेबर ने लिखी है, मैंने इस बुक करना पहले भी आपको बता दिया, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रीतम सोरोकिन लिखते हैं सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स ठीक है। मतलब कि आपको देखने को मिलेगा कि कुछ हिस्टोरियंस है, कुछ सोशियोलॉजी है, हिस्टोरियन हिस्ट्री के ऊपर वो बुक लिखते हैं, सोशियोलॉजी मतलब ये लोग बुक लिखी है सोसाइटी के ऊपर ओके। यहाँ पे एक और प्रश्न आते हैं, ये अच्छा ये कहता है कि सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री दिन ब दिन ये थोड़ा बहुत अलग होते जा रहा है ओके, लेकिन दोनों में डिस्टिंक्शन आ रहा है। एंड यहाँ पे एक नया दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट है ट्रेवर रूपर, ये कहते हैं कि जो डिस्टिंक्शन है हिस्ट्री में ठीक है, ये मतलब कि देखने को मिलेगा पहले जैसे राजा हुआ करते थे वो एक सोशल फोर्सेस लाया करते थे ठीक है, मतलब कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस ओके। तो ये चेंजेस जो था ये राजा लाया करते थे एंड अगर आप सोशियोलॉजी में आके देखो तो यहाँ पे जो सोशल फोर्सेस रहता रहता है ठीक है, जो सोशल चेंजेस रहता है ये खुद लोगों ने लाके आया ठीक है, मतलब कि लोगों ने मतलब कि 70s में आके देखो तो लोगों ने चेंजेस लाया है एंड एशियंट टाइम में देखो तो वो जो रहता था वो मतलब कि राजा चेंजेस लाया करते थे सोसाइटी में ठीक है, जो राजा बोला करते थे वही हुआ करता था। लास्ट लाइन आपको देखने के लिए मिलेगा कि सोसाइटी ठीक है, जो सोसाइटी है अगर आपको स्टडी करना है पास्ट तो आपको हिस्ट्री की जरूरत रहेगी, तो आप बोल सकते हो कि आप हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी को दोनों को आप सेपरेट करके स्टडी नहीं कर सकते, दोनों को एक करके स्टडी करना पड़ेगा। हमेशा सोशियोलॉजी की हेल्प चाहिए रहती हिस्ट्री की ठीक है, हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए, बट हिस्ट्री को मतलब सोशियोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पास्ट है ओके। तो हमेशा मतलब कि दोनों को जो काम है हैंड इन हैंड जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये लिखना है ओके।